अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी चिकन कढ़ाई की रेसिपी। ये चिकन कढ़ाई एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल बनता है, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़े का। तो चलिए फिर मैं इस कढ़ाई की रेसिपी आप सबके साथ शेयर करती हूँ। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। चिकन कढ़ाई बनाने के लिए मैंने यहाँ एक कढ़ाई में 4 टेबल स्पून सरसों का तेल ऐड किया है। देखिए यहाँ मेरे पास 1/2 kg चिकन है, मैंने इसे अच्छे से वॉश कर लिया था। अब मैं अपने तेल में सारे चिकन को ऐड कर लूँगी और इसे अच्छे से फ्राई कर लूँगी। चिकन ऐड करने के बाद आपको 5 मिनट के लिए इसे फ्राई करना है, वो भी हाई फ्लेम पर। जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएंगे तब हम आगे का स्पाइसेस इसमें ऐड करेंगे। देखिए यहाँ चिकन जो है वो अच्छे से फ्राई हो गए हैं। तब हम इसमें दही ऐड करेंगे। दही मैं यहाँ स्टार्टिंग में 4 टेबल स्पून ऐड कर रही हूँ। अब दही को भी चिकन के साथ अच्छे से भून लेना है जब तक दही का पानी जल ना जाए। दही के साथ मैंने चिकन को अच्छे से भून लिया है। देखिए यहाँ पानी जो है दही का वो रिड्यूस हो गया है। तब हम इस पॉइंट पर 250 ग्राम बड़े साइज़ का टमाटर ऐड कर रही हूँ। आप चाहे तो कट करके भी ऐड कर सकते हैं, और 3 हरी मिर्चें। अब टमाटर को सॉफ्ट होने तक कुक करना है। अब मैं इसे कवर कर दूँगी थोड़े से पानी ऐड करने के बाद, और इसे टमाटर के गलने तक पकाएँगे। देखिए यहाँ 2-3 मिनट के बाद मैंने इसे स्टर किया तो टमाटर जो है उसकी स्किन जो है वो एकदम सॉफ्ट होने लगी है। तब हम इसे फिर से कवर करके 2-3 मिनट के लिए पकाएंगे। तकरीबन 5 मिनट के बाद मैंने चेक किया तो टमाटर का जो स्किन है वो अलग होना शुरू हो गया है। तब हम सारे स्किन को अलग कर लेंगे। अब फिर मैं टमाटर के साथ चिकन को अच्छे से भून लूँगी ताकि इसका जो पानी है वो रिड्यूस हो जाए। अब मैं इस पॉइंट पर 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर रही हूँ, 1/2 टीस्पून कुटा हुआ धनिया, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून कुटा हुआ लाल मिर्च और 1 टीस्पून पाउडर धनिया। इन सारे स्पाइसेस को ऐड करने के बाद मैं इसे अच्छे से हाई फ्लेम पर भून लूँगी जब तक तरी अलग ना हो जाए। बीच बीच में आप स्टर करते हुए अपने चिकन को भून लें। तकरीबन 5 से 6 मिनट मैंने इसे अच्छे से हाई फ्लेम पर भून लिया है। देख ही सकते हैं तरी जो है वो एकदम अलग होना शुरू हो गई है। तब हम इस पॉइंट पे फिर से 4 टेबल स्पून दही ऐड करूँगी। दही ऐड करने के बाद आपको फिर से इसे भून लेना है ताकि जो भी दही का पानी हो वो ड्राई हो जाए। बीच बीच में आप इसे स्टर करते हुए भून लें। देखिए यहाँ चिकन जो है वो अच्छे से भून गया है। तब हम इसमें 1 कटोरी पानी ऐड कर लेंगे और चिकन को गलने के लिए इसे लो मीडियम फ्लेम पर रख देंगे जब तक जो चिकन है वो टेंडर हो जाए। तकरीबन 10 मिनट के बाद मैंने ढक्कन हटाकर चेक किया तो चिकन जो है हमारा वो टेंडर हो चुका है। तब हम इसके शोरबे को ड्राई कर लेंगे, क्योंकि चिकन कढ़ाई जो होती है वो एकदम लटपट होती है। तो आप इसके पानी को ड्राई कर लें। तो देखिए यहाँ चिकन का पानी जो है वो रिड्यूस हो गया है। आप देख ही सकते हैं कितना अच्छा चिकन कढ़ाई रेडी हो चुका है। तब मैं गैस का फ्लेम ऑफ करती हूँ और आपको सर्व करके दिखाती हूँ। अब मैं इसमें जुलियन कट करके अदरक ऐड कर रही हूँ। तो देखिए बन गया ना हमारा एकदम मज़ेदार सा, यमी सा, एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन कढ़ाई।
बहुत ही आसानी से। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें और हमें कमेंट में बताएं कि आपको कैसा लगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।